Om.
ज्ञान रतन के जीवन।
ओम शांति। आज अमृत वेला योग का विषय आज की ही साकार मुरली से लिया गया है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बेहद का वैरागी हूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इससे दिल नहीं लगाओ, अंत समय रक्त की नदियां बहेंगी, कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सेंटर पर जाते हो, क्लास भी करते हो, ऐसा समय भी आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। ये सावधानी बाबा ने साकार मुरलियों में ही दे दी थी। दिन प्रतिदिन माहौल बिगड़ता जा रहा है और बाबा ने बताया, अभी तो और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, तो ऐसी दुख की दुनिया से, इस जाने वाली दुनिया से भला क्या दिल लगाना, सब से नष्ट हुआ हो जाओ। बेहद का वैरागी बन सबको भूलते जाओ। वैसे भी जो जाने वाला होता है उसे कौन मोह रखता है, क्या याद करना उसे। ईश्वरीय महावाक्यों को याद करें। बाबा ने कहा हुआ है, इन आंखों से तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है यह कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5 तत्वों से बने ये शरीर फिर से 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इस दुनिया से उपराम अवस्था प्राप्त करने के लिए सच्चा वैरागी बनने के लिए एक अटेंशन जरूर दें, खुद को जब भी आईने में देखें तो स्वयं से बातें करें, मैं आत्मा हूं और यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर रूपी मकान में मैं कुछ समय के लिए मेहमान हूं। कुछ समय बाद यह शरीर नहीं रहेगा, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। याद करो, विचार करो, कैसा समय होगा वो जब हम इस शरीर से अलग हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी का चित्र मन में बनाएं। कैसे मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर वतन में बाबा के पास चली जाऊंगी।
और यहां पांच तत्वों के शरीर के पास सगे संबंधी खड़े रहेंगे, विलाप कर रहे होंगे और मैं निर्बंधन आत्मा नष्ट मोहाबन बाबा के पास साक्षी होकर वो दृश्य फरिश्ता बन देखता रहूंगा। कैसे मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर वतन में बाबा के पास चली जाऊंगी और यहां पांच तत्वों के शरीर के पास सगे संबंधी खड़े रहेंगे, विलाप कर रहे होंगे और मैं निर्बंधन आत्मा नष्ट मोहाबन बाबा के पास साक्षी होकर वो दृश्य फरिश्ता बन देखता रहूंगा। अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा हुआ है, जितना स्वयं को मेहमान समझकर चलोगे उतना महान बनोगे। अगर बेस्ट बनना है तो स्वयं को गेस्ट समझकर रहो, मेहमान समझकर। बुद्धि में रहे ना मैं किसी का ना कोई मेरा, मेरे सारे रिश्ते एक शिव बाबा के साथ हैं। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा कोई नहीं। सासों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सासों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा। सासों की माला में
सारा दिन यह एक अभ्यास जरूर करें, जो भी सामने आए तो बुद्धि में तुरंत यह विचार चलना चाहिए कि यह भी एक आत्मा है। सिर्फ चंद दिनों के लिए इस शरीर में मेहमान है। इस सृष्टि पर कुछ दिनों के लिए इसका पार्ट है, फिर यहां कोई नहीं रहेगा, हम सब चले जाएंगे वापस अपने घर, परम धाम, उस निराकारी दुनिया में जहां से हम सब आए थे। यह तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आत्माएं इस सृष्टि पर अकेले ही पार्ट बजाने आए थे और अब अकेले ही जाना है। इसलिए स्वयं को सबसे अलग, बिल्कुल अकेला समझ एकांत में रहकर एक बाबा को ही याद करना है।
बेहद का वैरागी बनने के लिए बहुत सहज युक्ति है। दिन भर यह 5 अद्भुत केले जो बाबा ने बताए हैं, इनको बार बार खाते रहो। हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर यानी एकांत में अकेले बाप को याद करना है। यह 5 केलों की स्मृति बड़ी वंडरफुल है, जो आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। बार बार स्मृति लाएं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। अकेला आया था और मुझे अकेले जाना है बाबा के साथ। बेहद का वैरागी बनने के लिए लास्ट समय आने से पहले अपने सारे बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लें। नहीं तो अंत समय अगर कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह गई, कोई छोटा सा कर्म बंधन भी रह गया, वह भी खींचेगा और फिर देह से अलग होने में कष्ट होगा। उस आत्मा के लिए अंत समय बहुत दुखदायी होगा। इसलिए पहले ही सबसे न्यारा प्यारा बन जाए, अपनी जांच करें, कोई संबंध, कोई पदार्थ या वस्तु मुझे आकर्षित तो नहीं करती। बार बार अपने आप से पूछें, क्या मैं बेहद का वैरागी बना हूं? बहुत सूक्ष्म रूप से अपनी जांच करो। कहीं कोई आकर्षण तो नहीं? अभी अगले 2 मिनट तक कम से कम 5 ऐसे चेहरे सामने लाओ जिनसे हमारा अति स्नेह है या जिनके साथ
हम सारा दिन कार्य व्यवहार में आते हैं, एक एक चेहरे को सामने लाएं, मन में चित्र बनाते जाएं और उनके मस्तक के बीच चमकती हुई अविनाशी आत्मा को देखें। विचार करें, यह आत्मा इस शरीर में सिर्फ कुछ समय की मेहमान है। स्थूल आंखों से दिखाई देने वाला यह शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह तो विनाशी है ना। इस आत्मा के साथ मेरा कुछ समय का पार्ट था, अब नाटक पूरा हो रहा है। सबको वापस जाना है, बाबा के साथ, बाबा के पास परम धाम घर में आत्माओं के देश शांति धाम में जाना है। अभी यह है देह, देह की दुनिया और सब वस्तु वैभव यहीं छोड़कर जाने हैं। स्वयं से पूछो, क्या मैं आत्मा बाबा के साथ घर जाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरी स्थिति बाप समान न्यारी और प्यारी है? क्या मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनी हूं? ऐसा फरिश्ता जिसका किसी भी देहधारी से कोई रिश्ता ना हो। इस देह की दुनिया से कोई संबंध ना हो,
कोई कर्म बंधन ना हो, एकदम मुक्त अवस्था। अभी कुछ पल के लिए हम यही अभ्यास करेंगे कि मैं देह से न्यारा, बाबा का प्यारा फरिश्ता हूं, सर्व बंधनों से मुक्त, बिल्कुल हल्का। ऐसा फरिश्ता जिसे ना कोई मन का बंधन है ना तन का, डबल लाइट फरिश्ता। न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यारा। मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया, मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ।
ऐसा बिल्कुल हल्का बन उड़ चले फरिश्तों की दुनिया में, प्यारे बाप दादा के पास। अब अपने सामने बाप दादा को देखें और उनसे मीठी मीठी रूरिहान करें। कितने दिनों से यह मन जिसको याद करता रहा, आंखें जिनको देखने के लिए रस्ती रही, अब वह मेरे सामने है। तीनों लोकों में मेरे लिए जो सबसे प्रिय है, जिनके साथ मेरे सर्व संबंध हैं, जो मेरे लिए माता पिता, बंधु सखा, शिक्षक सतगुरु सब कुछ है, वह मेरे सम्मुख है। यह पल मेरे लिए बड़ा अमूल्य है। बाबा से मिलन मनाने का, उनके साथ अपने दिल की बातें करने का बहुत सुनहरा मौका है। इन पलों का भरपूर आनंद लें। अपने मन की बातें बाबा के साथ शेयर करें। और बाबा से सर्व शक्तियां, वरदान एवं सभी खजाने लेकर संपन्न हो जाएं। महसूस करें, बाबा कुछ कह रहे हैं। संकल्पों की भाषा द्वारा बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अब तुम्हें वापस सृष्टि पर जाना है। सभी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देना है। विनाश के पहले सबको बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। साथ ही बाबा एक सावधानी दे रहे हैं, बच्चे सदा याद रहे, अब सृष्टि पर तुम कुछ समय का मेहमान बनकर जा रहे हो। तुम्हारा वहां किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें सिर्फ संदेश वाहक बनकर जाना है। सभी आत्माओं के
रहनुमा बनकर सबको बाप से वर्षा दिलाना है। सदा याद रखना, तुम सिर्फ इस रूहानी सेवा के लिए ही सृष्टि पर गए हो। अभी बाप दादा को अपने सम्मुख देखते हुए मन ही मन वायदा करें, बाबा जब तक मैं स्थूल वतन में रहूंगा तब तक सदा आपको याद करता रहूंगा और सभी को आपका रास्ता बताने वाला रहबर बनकर रहूंगा। अपने लक्ष्य को सदा याद रखूंगा और देह से न्यारा डिटैच होकर अपना पार्ट बजाऊंगा। गाइड बनकर सब आत्माओं को आपका रास्ता दिखाऊंगा। अब यह दृढ़ संकल्प लेकर चले वापस साकारी दुनिया की ओर। वापस नीचे सृष्टि पर फील करें कि मैं अपने साकार शरीर में मस्तक के बीच में उन्हें विराजमान हो गया हूं। सारा दिन याद रखें कि मैंने बाबा से क्या वायदा किया है। बेहद का वैरागी बनकर शरीर से डिटैच होकर सबसे नष्ट मोहा बनकर सच्चा वैरागी बनकर पार्ट बजाना है। Thank you.
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी।
Thank you.